भारतीय जनता पार्टी को विटामिन ए बहुत मिल रहा है, इन्हें कमी नहीं है, इन पे विटामिन ओवर हो गई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, इनका हिसाब किताब देखोगे तो इन्होंने क्या खेल खेला सोचिए आप। एक समय नहीं नहीं वो गलत समय रहे, विटामिन ए मतलब जो उद्योगपति हैं, एक समय पर याद होगा आपको, इन्होंने पूरा का पूरा पैसा बंद करा दिया और कहा कि नोटबंदी होने के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापिस आ जाएगा। वो याद कीजिए, वो समाजवादी सरकार थी और उस समय चुनाव में जहां भी हम लोग जाते थे यही बात कहते थे कि रुपया बंद होने से, रुपया हमारा काला सफेद नहीं होता है, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। याद कीजिए किस समय की बात है और आज कितने साल हो गए, बैंकों में पैसा भर गया, बैंकों में पैसा भरता चला गया और इन्होंने न जाने कैसी अर्थव्यवस्था बनाई कि कुछ उद्योगपति न जाने कितनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगे। और मुझे लगा कि 2024 का जब चुनाव होगा तो बीजेपी कहेगी कि देखो हमारी अर्थव्यवस्था और अर्थनीति ऐसी है कि भारत का उद्योगपति भी दुनिया में नंबर एक हो सकता है। मुझे लगा कि हो सकता है वो उद्योगपति दुनिया का नंबर एक पहुंच जाए, क्योंकि नंबर दो तक पहुंचने तक कोई उसे ज्यादा समय नहीं लगा। सोचो कहां भारत जो गरीब देश है, हमारे अगर आंकड़े हम देखें तो जहां पानी पीने का इंतजाम नहीं, जहां पर अभी भी पढ़ाई अच्छी नहीं, बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही, पर्याप्त हम लोग खाना पीना नहीं खा पा रहे, भ्रष्टाचार जहां चरम सीमा पर है, बेरोजगारी जहां चरम सीमा पर है, महंगाई का ये आलम है, कोई चीज ऐसी नहीं जो सस्ती बची हो, बिजली महंगी, खाद महंगी, डीएपी महंगी, हर चीज महंगी होती चली जा रही। और उसके बाद बताओ हमारे देश का उद्योगपति नंबर दो पर, और हमें लगा कि वो नंबर एक पर पहुंच जाएगा, और जब नंबर एक पर पहुंच जाएगा तो बीजेपी हो सकती है उसी उद्योगपति के नाम पर हमसे आपसे वोट मांगे और लोकसभा का चुनाव लड़े। लेकिन सोचो हिसाब किताब कैसा हुआ इस बार, जो दो नंबर पे था वो पता नहीं कहां पहुंच गया, गाजीपुर में खाता ना खुले, कहां पहुंच गया। मुझे तो ये लगता है कि जो 7-8 महीने सरकार के बचे हैं, कहीं कोई ऐसा हिसाब किताब ना बनाए कि फिर ऊपर आ जाए। सोचिए ये सरकार की कमी है या सरकार का फायदा है, कौन सी विटामिन मिल रही है जो ए भागता जा रहा ऊपर, कोई तो होगी बात। और क्या खोखलापन था कि किसी की एक रिपोर्ट आने के बाद वो दो नंबर से कहां चला गया। ये जो वैल्यूएशन है, जो आंकड़े हैं, आंकड़े नीचे ऊपर हुए हैं, लेकिन न जाने कितनों ने रुपया खोया है। हम और आप नहीं जानते जिन्होंने रुपया खोया होगा, हम और आप तो अखबार में केवल कुछ संस्थाओं का देख रहे हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, LIC जिसमें हमारा आपका पैसा है। कोई परिवार ऐसा नहीं होगा या जानकारी में न होगा जिसने LIC में कोई ना कोई किस्त ना दी हो। LIC हमारा आपका गरीबों का पैसा, वो पैसा लगा दिया उसमें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा लग गया और बैंकों का पैसा लग गया। हम ये जानना चाहते बीजेपी के लोगों से, जब सरकार इनकी बनी बनी थी, किसी अधिकारी ने कोई फैसला लिया और उसने इस बिजली विभाग के प्रोविडेंट फंड का पैसा
एक प्राइवेट कंपनी में लगा दिया, डीएचएफएल में। वो डीएचएफएल कंपनी डूब गई। इन बीजेपी के लोगों को दिखाना था कि बहुत ईमानदार सरकार है। उसने उन सभी लोगों को जेल भेज दिया। अगर उत्तर प्रदेश में सरकारी पैसे का इन्वेस्टमेंट अगर प्राइवेट कंपनी में हो करके और अगर प्राइवेट कंपनी डूब जाए तो जेल भेजा जाता है, तो हम बीजेपी के लोगों से जानना चाहते हैं, आज भारत की बैंकों का पैसा, एलआईसी का पैसा डूबा है तो बताओ कौन जेल जाएगा?